खरगोन न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों की आपसी सहमति से निस्तारण के लिए 7 बेंचों का गठन किया गया था। न्यायाधीश गुलाब सिंह मिश्रा ने बताया कि नियमित 318 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 151 प्रकरणों का निपटारा किया, यानी 50% प्रकरणों का निपटारा हुआ। इन प्रकरणों में 1,30,00,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। यह राशि पक्षकारों को मिली है। 10,860 मामले थे, जिनमें 654 का निपटारा हुआ। इन मामलों में 3,91,00,000 रुपए का अवार्ड पारित किया है। नियमित दंडिक मामलों में 34, चेक के 13, प्रमेसिटिक के 6, बिजली के 40, वैवाहिक 12 और अन्य 20 प्रकरण यानी 151 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। अभिभाषकों के कार्य विरत रहने के असर में न्यायाधीश मिश्रा ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, इससे थोड़ा असर जरूर पड़ा, क्योंकि कई पक्षकार राजीनामे के लिए आए थे। वे भ्रमित रहे कि बगैर वकील के राजीनामा करें या नहीं, जिससे वे लौट गए। शेष ने राजीनामा किया। इस पारिवारिक कलह के कारण अलग अलग हुए पति पत्नी का फिर से मिलन हो गया। पति पत्नी लगभग 6 माह से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। न्यायालय द्वारा कराए गए समझौते से दोनों फिर साथ रहने को राजी हो गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी ने बताया, ग्राम डालका की महिला ने करीब 6 माह पहले अपने पति पर मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इनके बीच एक शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर महिला रिश्तेदारों के यहाँ रहने चली गई थी। जब पति लेने पहुंचा तो महिला के आनाकानी करने पर पिटाई कर दी। यह मामला न्यायालय पहुंचने पर दोनों को समझाइश देकर सुलह कराई और अब दोनों साथ रहने पर सहमत हो गए और राजीनामा कर खुशी खुशी घर लौटे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। निर्देश पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश टीके नागरी साहब के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने नियमित 318 केस रेफर किए हुए थे और हमारे 151 केस लगभग निपट गए हैं। इन 51 केसों में 1,30,00,000 रुपए का लगभग हमने अवार्ड दिया है। पक्षकारों को इतनी राशि प्राप्त हुई है। लगभग 50% के आसपास जो है प्रकरण हमारे हम निपटाने में सफल रहे। इसी तरह प्री लिटिगेशन केस जो है कुल 654 केस आज निपट गए। तो इतने पक्षकारों को आज इसमें, और 654 केसों में हमने 3,91,00,000 रुपए का लगभग अवार्ड पारित किया है, मतलब इतने की वसूली हुई है। इसमें अगर अपन कैटेगरी वाइज बात करें तो रेगुलर केसेज में जो नियमित दांडिक प्रकरण है 34 निपटे हैं, चेक से संबंधित प्रकरण 13 निपटे हैं, MECT के 6 प्रकरण निपटे हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स के कुल 40 केस निपटे हैं, वैवाहिक विवादों से संबंधित 12 प्रकरण निपटे हैं और अन्य प्रकरण 30 निपटे हैं। इस तरह से कुल 151 प्रकरण निपटे हैं। थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य रहा, क्योंकि कुछ पक्षकार जो आज राजीनामा करने के लिए आए थे वो भ्रमित रहे हैं कि उनको राजीनामा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कुछ पक्षकार वापस चले गए, बाकी अधिकतम पक्षकारों ने राजीनामा किया। जिस प्रकार की पति पत्नी दोनों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ था, पारिवारिक विवाद हुआ था, और उसके बाद दोनों शादी में कहीं बाहर गए थे, लेकिन विवाद होने के कारण पत्नी जो है लूट करके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। जब पति उसे लेने गया और उसने आने से मना कर दिया, तो पति ने उसके साथ वही हाथापाई की, मारपीट की और उसे गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। महिला ने अपने पति के विरुद्ध जो है रिपोर्ट लिखवाई थी। आज दोनों पति पत्नी जो है आपसी सहमति से न्यायालय द्वारा समझाइश दिए जाने पर प्रकरण में राजीनामा करने को तत्पर है और अब उनके बीच में आपसी सौहार्द स्थापित हो गया। वो दोनों पति पत्नी की तरह आपस में एक साथ रहना भी चाहते हैं, तो उनका ये मामला जो हमने लोक अदालत के माध्यम से सुलह चर्चा करके और आज समझाइश देकर के समाप्त किया है। खरगोन न्यायालय में जिला न्यायाधीश मिश्रा जी जब से पदस्थ हुए हैं, तब से खरगोन की न्यायालय की व्यवस्था इन्होंने पूरी तरह तानाशाही पूर्ण कर दी है और हमारे न्यायालय में पदस्थ आदरणीय अहिरवार साहब और CJM मैडम की कार्य पद्धति भी अव्यवहारिक है तथा हम अभिभाषक गण विगत 6 माह से सारी न्यायाधीश गणों की तानाशाही झेल रहे थे, उनके अव्यवहारिक कार्यों का सामना कर रहे थे। हमें यहाँ न्यायालय परिसर में 24 घंटे परेशानियां हो रही थी, उसके बावजूद भी हम लोग तालमेल बिठाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे, किंतु इन तीनों न्यायाधीश गणों की हठधर्मिता इतनी अधिक हो गई है
कि उन्होंने आज न्यायालय परिसर में बना हुआ सार्वजनिक मूत्रालय भी तुड़वा दिया, जो न्यायालय परिसर में गाड़ियां खड़ी थी उनसे सुआ लगा लगा कर उनका पंचर कर दिया गया, तथा पार्किंग के संबंध में प्रतिदिन अभिभाषक गणों को पुलिस वालों को यहाँ नियुक्ति करवा के उन्हें प्रतिदिन बेइज्जत करवाया जा रहा है। और यह प्रशासनिक तानाशाही ये खरगोन के तीनों न्यायाधीशगण कर रहे हैं। हमने वरिष्ठ न्यायाधीशों को इससे अवगत करवाया लेकिन उसके कोई परिणाम हो नहीं रहे, इसीलिए हम अभिभाषक संघ खरगोन के सभी सदस्य आज से 3 दिन तक अर्थात कल जो नेशनल लोक अदालत आयोजित होने वाली है उसका भी सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे, तथा यह हम मांग करते हैं कि ये तीनों प्रशासनिक अधिकारियों के तत्काल खरगोन न्यायालय से स्थानांतरण हो जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ बनी रहे, नहीं तो प्रतिदिन न्यायाधीशगण एवं वकीलों में विवाद हो रहा है जिससे समस्या न बढ़े, इसीलिए तत्काल समस्या का निराकरण किया जाए और तीनों न्यायाधीशगणों का तत्काल खरगोन से ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। ये सुविधा कर क्यों तोड़ दिया गया, कुछ कारण बताए? कुछ ही वर्ष पूर्व सार्वजनिक मूत्रालय यहाँ निर्मित था जहाँ पे पक्षकार लोग आते थे और उन्हें सुविधा होती थी, किंतु न्यायाधीश गणों ने अपनी तानाशाही करके वह मूत्रालय भी तोड़वा दिया। अब पक्षकारों के समक्ष समस्या ये आ रही है कि वह शौच के लिए कहाँ जाएं और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी भी होगी। प्रशासन और हाईकोर्ट जो है न्यायालय परिसर में स्वच्छता की ओर काम करता है लेकिन जो यहाँ स्वच्छता का जो काम हुआ है उसे भी यहाँ के न्यायाधीशों ने तोड़ दिया है और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सुधीर कुलकर्णी, अभिभाषक संघ का सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।